जनपद उन्नाव की आसीवन थाना क्षेत्र के मुंडा से एक युवक की हत्या का खुलासा बांगरमऊ सीओ आशुतोष ने थाना परिसर में किया। सीओ ने कहा कि 18 सितंबर 2020 को युवक की मां ने बहू पर बेटे को गायब करने की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच युवक के भाई ने 26 जुलाई को पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदा युवक की पत्नी और पड़ोसी पर युवक की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों को नंगा खेड़ा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ में पड़ोसी युवक के मुताबिक मुंडा से करीब 50 मीटर दूर शराब ठेका के पास शराब पिलाकर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को हरदोई नहर ब्रांच में फेंक दिया गया। उसके आधार कार्ड और बैंक पासबुक को पॉलीथिन में करके झाड़ियों के पास जमीन में गाड़ दिया था। पुलिस ने इन साक्ष्यों व इकबालिया बयान के आधार पर पत्नी और उसके पड़ोसी प्रेमी के साथ 1.5 साल की बच्ची को भी जेल भेज दिया। ग्राम सभा मुंडा की श्रीमती तिलका देवी ने कुछ समय पहले थाना आसीवन पे अपने बेटे चंदन की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। उसकी जांच अभी चल ही रही थी कि इसी बीच चंदन का भाई राकेश आके थाने पे एक लिखित तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि उसके भाई चंदन की हत्या चंदन की पत्नी गीता और शिव कुमारी एवं उसके प्रेमी मुर्शीद ने कर दी है। उसके लिखित तहरीर पे जांच करके आज सुबह 8:10 पे नंगा खेड़ा तिराहे के पास मुर्शीद और शिव कुमारी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने अपने जुर्म को स्वीकार किया और बताया कि 16 सितंबर 2020 को मुंडा शराब देसी शराब ठेके से करीब 50 मीटर आगे नहर पे चंदन की गला दबा के हत्या कर दी और उसके शव को नहर में फेंक दिया तथा उसका पहचान छिपाने के लिए उसके आधार कार्ड और SBI सफीपुर बैंक पासबुक को एक पन्नी में लपेट के पास के झाड़ियों में जमीन में दबा दिया। इनके निशानदेही पे आज उसे बरामद किया गया और इस पे मुकदमा दर्ज करके आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। जब वो आई थी उसी गुमशुदगी दर्ज की गई थी, उस पे जांच चल रही थी। उन्नाव से KKD न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। बांदा में एक आस्था के विडंबना में डूबे तमाम लोग मेडिकल और साइंस को ध्वस्त बता रहे हैं। बता दें कि पीपल के एक मंदिर में लोग ब्रह्म बाबा का वास मान रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग आए दिन पहुंच रहे हैं। ये लोग अंधविश्वास में इतने लीन हो गए हैं कि इस मंदिर में भयानक बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए लाते हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि पूजा पाठ से ही तमाम असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोगों के साथ जिनके शरीर के अंदर कोई भी भूत प्रेत बाधा यानी भूत पिशाच भी है तो इस स्थान में जाने से उनको बड़ा फायदा होगा और भूत बाहर निकल आएगा और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। मामला है बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र के झजरी पुरवा गांव का, जहां के लोगों के लिए पीपल का एक मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है और रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर माथा टेक रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर में 5 बार अलग अलग दिनों में जाकर चक्कर लगाने से भूत प्रेत असाध्य बीमारियां और भय बाधा कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि 3 बार जाने के बाद भी उनको इससे कोई फायदा नहीं मिला। आप वीडियो में भीड़ को साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लोग भारी तादाद में अंधविश्वास को बढ़ावा देने पहुंचे और कैसे लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानो इन सब के जहन में कोरोना का भय बिल्कुल नहीं रहा। आप वीडियो में यह भी देख सकते हैं कि भीड़भाड़ वाले स्थान पर कोई भी पुलिस प्रशासन मौजूद दिखाई नहीं दे रहा और लोग अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे। बता दें कि ऐसे लोगों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन इस ओर प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। राम मिलन कहाँ से आए हो? फतेहपुर से आए हूँ। क्या है मामला, किस तरह से बच्चा तुम्हारा बीमार है?
खराब है, अचानक बेहोश हो जा रहा है। एक बार में दवाई करवा रहे हैं, कानपुर में भर्ती दाखिल में एक महीना, एक बार ठीक नहीं भरा तो बंद ध्यान आवा देना। फिर जब यही आसरा लगा के सब सब आदमी आओ थे, हजारों आदमी आओ थे तो आसरा लगा के। कैसे पता चला कि यहाँ ऐसा होता है? हाँ तो कहाँ कहाँ बच्चे को दिखाया था तुमने अपने? फतेहपुर जिला में कई जगह देखा रहा था, फतेहपुर में देखा हुआ, उसके बाद कानोपुर में देखा हुआ, वो में देखा हुआ अपने। बच्ची को हुआ क्या था आपके? अचानक बेहोश हो गया रहा है, होली का दिन रहा है, अचानक अकड़ कर रहा है, बेहोश हो गया रहा है। तब से ठीक नहीं हुआ? क्या लगता है यहाँ सही हो जाएगा? आसरा लगा के तो यही आवत है। खाना पीना खाता है बच्चा? दूध पीता? हाँ दूध पी आवत है। कम से कम 2 लाख तो मेरे लिए। 2 लाख लोग थे यहाँ पर? हाँ चले कहा गए। कौन सा स्थान है बाबा जी? कौन सा स्थान है ये? ब्रह्मदेव भाई। अच्छा, किस तरह से मान्यता पूरी होती है, क्यों आते हैं लोग? सबके मान्यता पूरी हो जाए सर। अच्छा, किस किस तरह की मान्यता पूरी होती है? किस लुंजा है और निकला आदमी ही लंगड़ा है, निगन पौधा उससे जात है, दिखात नहीं कोई दिखा लग लागत है, दिखने भी लगता है। हाँ। कौन सा गांव है ये? ये जंजीपुरवा है। कहाँ पड़ता है, कौन सा थाना लगता है? चौकी जंजीपुरा। अशोक सिंह, अशोक जी किस तरह का ये स्थान है और आपके घर में क्या हुआ था? भैया स्थान तो ये जो है बहुत पुराना है, हमारे भाई का जो है तबीयत खराब थी जनवरी के महीने से, तो हमने जो है कानपुर झांसी या बांदा हमीरपुर सगले दिखाया, कहीं पे आराम न मिले, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हमने पार दिया घर में। बच्ची अच्छी है उनकी पूछ गई, ये भाई रात में बच रहा है तो दिन में नहीं बचेगा, इसके कारण फिर एक लड़का आया हमारे गांव का कुशवाहा जगभान नाम का, उसने हमें बताया कि बाबा बहुत पुराना पेड़ है, ब्रह्मदेव बाबा के स्थान में लिटा दो तो बाबा का सही हो जाएगा। तो हम लोग जो है उनको लेकर आए यहाँ स्थान में जो है पार दिया, यहाँ जो है बहुत झाड़ झीकर थे तो साफ करा कर पारा, उसी दिन से हमारे भाई का जीवन दान बाबा ने दे दिया, तो वही श्रद्धा से हम सब लोग का। क्या क्या करना पड़ा था आपको यहाँ? हम क्या गए कुछ पाए, पान ठलोंगे, 5 बतासा पान और 1 सुपारी ये चढ़ा कर जो है हम परिक्रमा लगा कर बाबा के स्थान। यहाँ कोई पंडा वंडा भी बैठता है क्या? कोई पैसे वैसे भी दिए जाते हैं? ना कोई पंडा है, ना पुजारी है, ना यहाँ कोई पैसा लेता है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। नैनीताल के लालकुआ क्षेत्र में स्थापित सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार सेंचुरी पेपर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रवासी प्रभावित हैं। मिल के प्रदूषण से लोग अकाल मृत्यु की मौत मर रहे हैं। वहीं पूर्व में मिल के प्रदूषण पर कार्यवाही को लेकर धरना प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से लेकर बड़े अधिकारियों से बात की, लेकिन नतीजा 0 निकला। अब इसी को लेकर लोगों ने आर पार की लड़ाई का मन बना दिया है। बता दें चले कि लालकुआ में हजारों लोगों को रोजगार देने वाली एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल में शुमार लालकुआ सेंचुरी पेपर मिल पिछले कई दशकों से क्षेत्रवासियों को रोक परोस रही है। मिल की आसमान छूती चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुएं ने नगर ही नहीं बल्कि इसके आसपास के गांव को भी अपनी जद में ले लिया है। वहीं मिल के केमिकल युक्त दूषित नाले ने कितने लोगों को अपने आगोश में ले लिया है, यहां कोई नहीं जानता है। इसी को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए और पर्यावरण बोर्ड में शिकायत भी की और मिल गेट से लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तक धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन मिल प्रबंधक की ऊंची पकड़ के चलते यहां समस्या आज भी जस की तस बनी है। इलेक्ट्रिक मीडिया को बहुत बहुत जो हमारी खबरों को प्रकाशित करती है। हमारी एक संस्था है तराई भाबर बचाओ संघर्ष समिति, इसके माध्यम से हमने सेंचुरी के खिलाफ 15 सूत्री मांग रखी हैं, जिसमें पहली मांग हमारी यह है घोड़ा नाला जो नाला है उसको भूमिगत कराया जाए। दूसरी मांग है हमारी उत्तराखंड के 80% जो रोजगार है शासनादेश माननीय नरेंद्र तिवारी जी के समय का उसको लागू कराया जाए। और तीसरा हमारी मांग है कि जो 50 वर्ष जिस श्रमिक को फैक्ट्री में मजदूरी दिहाड़ी करते हुए हो गए उसे स्थायी करा जाए। और चौथी मांग है हमारी कि जो भी 80% के लोग हैं उत्तराखंड के वो मूल निवासी हों। और हमने इसका ज्ञापन सभी लोगों को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है,
पर्यावरण विभाग को दिया है। और उसके बाद मैं खुद स्वयं परसों जाके पन्नगर मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि बलेड़ा जी आपके लिए लड़ाई को लड़ा जाएगा और लोकल में फैक्ट्री है और लोकल के लोगों को रोज़गार, स्थायी रोज़गार दिया जाएगा। आगे रणनीति अगर 15 दिन के अंदर हमारी अगर ये कार्रवाई पर कोई जो हमने ज्ञापन दिया है इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये जो सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। चूँकि ध्वनि प्रदूषण का असर लालकुआं जो नगर पंचायत क्षेत्र है वहाँ पर घनी आबादी का क्षेत्र है और पेपर मिल के आसपास वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, खड्डी मोहल्ला और आपके जो सेंचुरी के बिल्कुल सामने जो दूसरे नई बस्ती वगैरह और बंगाली कॉलोनी 25 एकड़ वगैरह ये बस्तियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कानों की प्रॉब्लम हो रही है और उनके दिमागी स्तर पर, उनको उनकी मानसिक स्तर पर भी इसका प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा जो प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। भारी मात्रा में कार्बनिक उत्सर्जन के कारण स्थानीय स्तर पर राख की इतनी मात्रा भारी गिर रही है जिसमें इन्होंने फिल्टर नहीं लगाए हैं कायदे से। इन्होंने इनकी चिमनियों में एक मशीन आती है जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जाती है जो सारी डस्ट को अंदर जमा करती है, वो मशीन इन्होंने नहीं लगा रखी है। ये कहते हैं कि हमने लाखों रुपया प्रदूषण नियंत्रण में लगाया है, करोड़ों रुपया खर्च किया है, बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। नैनीताल के लालकुआं से केकेडी न्यूज संवाददाता उमा शंकर की रिपोर्ट।